प्रकाशी uh, मुझे प्यार से मनु भी लोग बोलते हैं और मैं इंडिया से स्टेट उत्तर प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आती हूँ uh, मैं वहीं पे बड़ी और पली हुई हूँ uh, मैं इस टाइम चेक रिपब्लिक में रह रही हूँ मैं लास्ट ईयर 2022 में यहाँ शिफ्ट हुई थी अप्रैल में सो so ऑलमोस्ट मुझे एक साल होने वाला है यहाँ पे Uh, बहुत खूबसूरत प्लेस है ये चेक रिपब्लिक एक छोटी सी कंट्री है यहाँ की कैपिटल प्राग में रह रही हूँ उस टाइम uh, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ मैं इंडिया में एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी वहां से मुझे प्रमोट करके यहाँ भेज दिया गया अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ सो so यस yes, मेरी शिफ्ट महीने में केवल चौदह दिन होती हैं बाकी मेरे सारे डेज ऑफ होते हैं तो मैं घूमती हूँ यहाँ पे ये प्लेस बहुत ही प्यारी है बहुत ही ये नेचर से कनेक्टेड है और इतनी खूबसूरत है इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत सेफ है इंडिया भी बहुत खूबसूरत है ऑल दो अप सेफ्टी कंसर्न तो हर जगह ही होते हैं बट हाँ ये आ, वर्ल्ड में चेक रिपब्लिक आई थिंक सेफेस्ट कंट्री में काउंट की जाती है सो यस इट्स लाइक वेरी नाइस वेरी वेलकमिंग बहुत ही टूरिज्म है यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस हैं प्राग कैसल चार्ल्स ब्रिज द ग्रैंड वॉल सो बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं सो so, यस yes, मैं आपको यहाँ हर जगह घुमाऊंगी अब और आपको अगर कुछ और आप सर्च करके अगर आपको पता चलता है कि ओके ये वाली चीज़ भी विजिट करनी चाहिए प्राग में जो कि मैं प्राग में हूँ तो आप प्लीज मुझे फील फ्री बता दीजिएगा कमेंट्स में मैं आपको घुमा दूंगी एंड यस yes, मैंने चैनल शुरू किया है कुछ मेरी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के आप उनको देख सकते हैं लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ये चैनल मैं इसलिए बना रही हूँ कि लोग देखें समझें और वो भी ट्राई करें कि वो बाहर निकलें ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं है हमारी कंट्री में भी बहुत कुछ स्पेशल है और यस ऑफ़ कोर्स जैसे ही मैं वापस इंडिया जाऊंगी और मैं कुछ मेरी विश लिस्ट में चीज प्लेसेस हैं मैं उनको विजिट करूंगी ऑफ़ कोर्स बट ये प्लेस भी बहुत सुंदर है बहुत ही प्यारी है येस um, yes, तो मेरा करियर शिफ्ट मैंने मेरी ये पहली जॉब है सो so, यस yes, अच्छी चल रही है नॉट लाइक आई एम मोर इन टू माई करियर सो मैं अभी भी ट्राई uh, कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की अभी अपने आप को डिक कर रही हूँ कि कुछ कुछ तो अच्छा मिल जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो मतलब मैं मैं ना क्रेजी हो जाऊँ करने के लिए सो so, यस yes, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी जॉब को बट मैं साथ में ट्रैवल भी कर रही हूँ अब मैंने स्टार्ट किया है सोलो ट्रैवलिंग भी मैं करूंगी ऑफ कोर्स मेरी लिस्ट में है कुछ प्लेसेस uh, हैं जैसे कि मेक्स माय वेस्ट कि मैं जल्दी से वहां घूम के आऊं सो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ये मेरा एक इंट्रो वीडियो है आई होप यू विल लाइक इट सो यस ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है जिससे मैं जहां भी घूमूं जहां भी जाऊं मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं लोगों को दिखा सकूं कि कितना ईजी है ट्रेवल करना ऑल दो यस एक्सपेंसिज बट yes, हाँ बजट में भी स्पेंड कर सकते हैं और आप अगर कहीं रह रहे हैं तो वहां पे भी अच्छी प्लेसेस आप विजिट करके आप डाल सकते हैं लोगों को पता चलेगा कि ओके okay, ये भी प्लेस हम देख सकते हैं सो ये इजी टू कन्वे आप मैसेजेस ओके हम यहाँ जा सकते हैं वहां जा सकते हैं समहाउ हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो ट्रेवलिंग स्टार्ट करें क्योंकि इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जब कभी घूमने जाते हैं ना तो आप आपके अंदर से आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में फॉर गर्ल्स स्पेशली कि उन्हें पता चलता है कि वो सोलो ट्रेवलिंग कर सकती हैं मुझे आज भी डाउट है कि मैं सोलो ट्रेवल कर सकती हूँ नहीं आई फील बोर्ड लाइक आफ्टर सम टाइम बट आई वोट ट्राई आई वोट जस्ट विजिट सम प्लेसेस अ लोन एंड टेक सम रिस्क टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ टू डिग आउट वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट सो so, हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ मैं बाहर आई हूँ मुझे एक मौका मिला है अपॉर्चुनिटी मिली है सो so, अगर मैं पास अपना हिस्ट्री बताऊँ तो या मैं एक मैं सीतापुर से आती हूँ एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू सो एक छोटी सी सिटी है बहुत प्यारी सी सिटी है लोग बहुत अच्छे हैं बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बाहर जाऊंगी बट ये मेरे पापा का सपना था कि उनके बच्चे बाहर जाएं, करियर बनाएं, नाम कमाएं जो मेरे पापा चाहते थे मेरी मम्मी ने भी मेरी मतलब मेरी मम्मी ने तो बहुत ही हेल्प करी हमारे करियर को सेट करने के लिए हमारी पढ़ाई से लेके हर एक चीज उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और तो सबके पेरेंट्स सबके लिए करते ही हैं बट हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ किया है मेरा मोस्टली करियर बिल्ड जो है वो मेरे मामा जी ने किया है उन्होंने ही हमें स्टैब्लिश किया है आज अगर हम हैं वो यहाँ तो हम उनकी वजह से हैं बट हाँ पेरेंट्स सबके ही अच्छे होते हैं सो so, यस yes. um, मैं अब जहाँ भी जाऊँगी मैं आपको ब्लॉग डालूंगी और आप देखिएगा और आप प्लीज बताएगा कि और कितना अच्छा कर सकते हैं हम मेरी नेक्स्ट वीडियो ये एक वॉल है प्राकी बहुत फेमस वॉल है एक टाइम पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में सो जॉन लिनन ने ये रेवोल्यूशन uh, स्टार्ट किया था उस बेसिस पे ये वॉल बनाई गई है यहाँ पे लोग अपने थॉट्स लिखते हैं लाइक फ्री स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच काइंड ऑफ ये एक वॉल है कि आप जाके अपने थॉट्स लिख सकते हैं और uh, लोग वहाँ पे पेंटिंग्स करते हैं आर फैक्ट्स डालते हैं और बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि आप वहां जाके एक खूबसूरत वर्ड uh, लिख सकते हैं पीस लव वट एवर यू वॉन्ट टू स्प्रेड लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड सो ये एक वॉल है जो आपको फ्रीडम देती है कि आप अपने थाट्स मैंशन कर सकते हैं तो ये एक मुझे बहुत ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पता है बट आई आई पेस्ट दी एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द वॉल एंड दाइक स्टेटमेंट uh, has इट इज लाइक इट हैज so बिल्ड yeah. सो यहाँ पे लोग अपने पेंटिंग्स बनाते हैं स्केचेस बना के जाते हैं ये हर एक uh, साल नवंबर uh, सत्रह को ये वॉल पूरी वाइट पेंट कर दी जाती है देन फिर लोगों को लोग आते हैं और अपने स्केचेस पेंटिंग बना के जाते हैं और अपने थॉट्स लिख सकते हैं तो ये पूरे साल आप इस इसपे थॉट लिख सकते हैं और अपनी लाइक like, इस वॉल की जब भी एनिवर्सरी होती है जो कि होती है सेवेंटींथ ऑफ नवंबर सो इस दिन uh, लोग uh, इसको वाइट पेंट कर देते हैं तो, लाइक like, go, जो गवर्नमेंट है इसको वाइट पेंट करा देती है स्पेशली सो यार विल कंटिन्यू विद डेट सो आई विल बी अपलोडिंग माई सेकेंड लॉक सून थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब